कुंडलिनी में योग विद्या का परिचय है। देखो भाई, सबसे पहले भारत में वेदों का प्रणयन हुआ, ऋषि मुनियों ने वेदों का प्रणयन किया। वो किस लिए? उनकी कुंडली जागरण हो गई थी, ऋषि मुनियों की कुंडलिनी जागरण हो गई थी, सब चक्र का उन्होंने भेदन कर दिया था, इसलिए वह रितंबरा तत्र प्रज्ञा, रितंबरा नाम की जो है बुद्धि उनके प्रकट हो गई और उन्होंने वेदों का, उन्होंने चार वेदों का प्रणयन किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्वेद और सामवेद। इन चारों वेदों की एक एक ऋचा, कोई भी कार्य होता है योग विद्या का, कुंडली माता का, तो इन चारों वेदों की एक एक ऋचा का, मंत्र भी कहते हैं जिसे ऋचा भी कहते हैं, वो जो है मंगलाचरण जिसे कहते हैं वो किया जाता है। ऋग्वेद का अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य ऋतिजं देवं होतारं, और ऋग्वेद का ओ विशेषोर्जतावायवस्था देवो सविता श्रेष्ठ भय कर्मणाप्याय द्वामनद्या इंद्राय भाग प्रजावते नीव मक्ष्मा स्तनाय सता द्रुआस्मिनो गोपतो शात बरि यजमानस्य प्रसन्न पाही। और अग्न आयाहि वीते गणनगो हव्यदाते निहोता सस्य वहिसि यो त्रिसप्ता पर्यंत विश्वारूपाणि विप्रत वाचस्मतिर बलाम तेषाम तन्वो अद्य ददा तुम्हें। ये मंगलाचरण है भाई, इसका उच्चारण करने से जो है कुंडली जागरण हो जाती है। ये वेदों के प्रथम ऋचाएं हैं, चारों वेदों की प्रथम प्रथम ऋचाएं हैं। इनका इतना प्रभाव है कि जो है इनका प्रातःकाल दोपहर सायंकाल तक जो है ये उच्चारण करने से, पाठ करने से ही कुंडली जागृत हो जाती है। योग विद्या है, कौन सी विद्या? योग विद्या था तो योग, योग विद्या का प्रारंभ करने के लिए क्या मतलब होता है? योग विद्या का मतलब होता है कि हमारे जो मल है शरीर में, उन मलों को दूर कर देना। चित्त है, चित्त के ऊपर जो मल हैं उनको हटा देना, इसे योग विद्या कह देते हैं। और दूसरा अर्थ होता है परम परमात्मा से मिलन, आत्मा का। पर कुंडली का ही मतलब होता है, कुंडली षटचक्र भेदन करते मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध ये आज्ञा चक्र और सब, ये सब चक्रों का भेदन ही तो कुंडली जागरण है। इसलिए ये जो है इनका भेदन के लिए जो है वो क्या करते हैं, पहले क्रिया योग। देखो पंतजलि ने योग शास्त्र लिखा, पंतजलि योग शास्त्र है, उन्होंने लिखा है। पहले उसके चार अध्याय हैं, कितने अध्याय हैं? पहला उसका अध्याय है वो है समा साधना, दूसरा साधना पाद, तीसरा विभूति पाद और चौथा है केवली पाद। तो अर्थात तो जो है ये योग विद्या शुरू करते हैं तो चित्तवृत्ति निरोगश्च, चित्तवृत्तियों का निरोध, चित्तवृत्ति निरोधश्च, चित्तवृत्तियों का निरोध करना, रोकना। कौन सी चित्तवृत्तियां? हमारे चित्त है ना, इस चित्त के ऊपर विकल्प प्रमाण, विकल्प निद्रा, स्मृति, ये विप्रय, ये वृत्तियां है भाई। इससे हमारी आत्मा, इससे हमारा चित्त ढका हुआ है। अब इनको क्या करते हैं? योग विद्या से, कुंडली माता के मंत्रों से और जो है योग के मंत्रों से इन आवरणों को क्या करते हैं? हटाते। क्या करते हैं? तो दर्पण के समान, किसे समान? जो दर्पण होता है ना, कांच है, वो चिंतामणि जो मणि होती है ना, उसके समान हमारा चित्त स्वच्छ हो जाता। क्या हो जाता? और स्वच्छ के अंदर, चित्त के अंदर परम परमात्मा के सब शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमारे धर्म में नहीं, सनातन धर्म में ही नहीं, बौद्ध धर्म में भी है, जैन धर्म में भी है, सम्यक ज्ञान होता है जैन धर्म में।
कौन सा सम्यक ज्ञान कहते हैं जिसे हम कुंडली जागरण वो सम्यक ज्ञान वगैरह कहते हैं। और बौद्ध धर्म में तो भगवान बुद्ध ने कई साल तक जो है बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या की, और तपस्या करने से जो है उनको बौद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ, कुंडली उनकी जागृत हो गई थी। तो उन्होंने इतना ज्ञान प्रचार हो गया उस समय में पूरा एशिया, पूर्वी एशिया में, कहां पर, लंका में, श्याम में, बांग्लादेश में, और चीन में, जापान में, तिब्बत में। तिब्बत तो इसका गढ़बंध, कुंडली जागरण का, योग विद्या का गढ़ क्यों कौन बन गया, तिब्बत बन गया था। इतना प्रचार हो गया था। और अब तो काफी विश्व में, कहां पर, अब तो हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं नरेंद्र जी, उन्होंने पूरे विश्व में जो है इस योग विद्या का प्रचार प्रसार कर दिया है। और विश्व में योग विद्या के, कुंडली माता के कई मंदिर बन रहे हैं। राजस्थान में भी जाडन के अंदर, पाली जिले के जाडन के अंदर कुंडली माता का, मतलब शिवजी का, कुंडली माता का शिवजी है ना, परम ब्रह्म, यहाँ कैलाश पर्वत, इसको कैलाश कहते हैं। क्या कहते हैं, इस ब्रह्मरंध्र को कैलाश कहते हैं। भगवान शिव का, परम शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत है। तो यहाँ पर जो है शिव जी विराजते हैं। तो पाली में भी, पाली जिले में जाडन नाम का गांव है, वहां पर मशरनाम जी महाराज जो इस योग विद्या के बहुत बड़े आचार्य हैं, उन्होंने 108 शिव जी के मंदिर बने। तो जो है कुंडली का माता का भी वह प्रचार प्रसार हो रहा है। तो इस प्रकार हमारे चार पंतजलि योग में तो है ही, लेकिन बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, और वो देखो ये अंग्रेज लोग हैं, इनके भी जो है बाइबिल में भी लिखा हुआ है। देखो परमेश्वर एक क्या है के कहते हैं, कई शास्त्रों में तो लिखा हुआ है, स्वयं जो है वो बाइबिल के रचयिता भगवान इनके ईसाई, ईसा मसीह जिसे कहते हैं, स्वयं भारत में आए थे, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। शोध किया है लोगों ने, वो आए थे योग विद्या का, कुंडली जागरण का, उन्होंने आज जो है अध्ययन किया और साधना की, तब कहीं जाकर के देखो उनके बाइबिल के हर शब्द के अंदर वेद की ऋचाओं का ज्ञान है। तो कहने का मतलब ये एक ऐसा कुंडली जागरण की विद्या है जिसे योग विद्या, कुंडली जागरण योग विद्या की शिरोमणि चीज, योग विद्या का मुकुट जिसे कहते हैं, वो एक ऐसा है कि जिससे कुंडली जागृत होती है। और परम परमेश्वर दो सिद्धांत, एक क्या भौतिक सिद्धियां, इसमें पंतजलि योग में तीसरा अध्याय है विभूति पाद। कौन सा अध्याय है, विभूति पाद में 30 सिद्धियां, कितनी प्रकार की 30 सिद्धियों का वर्णन किया गया है। आकाश खेचरी विद्या, श्रवण विद्या, दूर से सुनाई दे देना, और बिल्कुल शरीर हल्का हो जाना, अरिमा बिल्कुल सूक्ष्म कर देना, बाल की नौ के बराबर शरीर को सुगाड़ीमा, महिमा भारी, गरिमा बहुत भारी शरीर को कर देना, हिल भी नहीं सकती, और महिमा, और ये सब जो योग विद्या से, ये कुंडली जागरण से अनेक प्रकार के 30 प्रकार की सिद्धियां। कितने प्रकार की, किसमें, पंतजलि योग में 30 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन किया गया है। और जो साधक हैं, मूल जो उसका योग विद्या का उद्देश्य, कुंडली जागरण का मूल उद्देश्य तो मोक्ष को प्राप्त करना, जिसे अपवर्ग कहते हैं, जिसे स्वर्ग कहते हैं, और सारे लोगों को पार करके, पार करके चंद्रलोक को, सूर्यलोक को, और ये जो दूसरे लोक हैं, ये इनको पार करके ऊपर पहुंचना है वह परम ब्रह्म से। किससे, किससे सर, कुंडली जागरण का मुख्य उद्देश्य, योग विद्या का मुख्य उद्देश्य, इसकी परिभाषा ही सब शास्त्रों में, उपनिषदों में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ, दूसरे मतलब जैन धर्म में लिखा हुआ है, बौद्ध धर्म में लिखा हुआ है, पारसी बहुत जबरदस्त धर्म है भाई, सबसे पुराना जो वेदों से जिससे अनुकरण किया जा सकता है
वो ये सब धर्मों में कुंडली जागरण का बहुत बड़ा जो है वर्णन है, और साधक इसकी साधना करते हैं और साधकों को सब सिद्धियां प्राप्त होती है। और सिद्धियां तो प्राप्त होती ही है, सिद्धियां तो यहाँ तक है, कितने तक, मूलाधार की अलग सिद्धि, स्वाधिष्ठान की अलग सिद्धि, मणिपुर की अलग सिद्धि। मणिपुर के अंदर जो है बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा मंत्र है, मणिपद में होम, मणिपद में होम, मणिपद में होम, मणिपद में होम। उन्होंने तो एक चक्र ही बना दिया, उस एक चक्र को घुमाने से 1000 जो है मणिपद में होम मंत्र का उच्चारण हो जाता। तो सबसे बड़ा गढ़ तिब्बत में है इसका, अभी भी है। अब तो जापान में, चीन में, सब जगह ये धर्म प्रचारित हो गया। लंका में अशोक नाम का राजा था, हिंदुस्तान में उसने अशोक धर्म का प्रचार प्रसार पूरे एशिया में, दक्षिण एशिया में किया। इसलिए हमें जो है करना चाहिए। अब मैं आपको कल जो है इसके बारे में और आगे बताऊंगा। बोलिए गंडली माता की जय, योग विद्या की जय, और बोलिए श्री राम की जय।